आज हम एक साड़ी की पट्टी लेते हैं और दो उंगलियों पर दो राउंड लगा लेते हैं इस प्रकार से, और एक सुई धागा लेते हैं और यहाँ पर सिलाई कर लेते हैं। इस प्रकार से एक रिंग की उधाई कर लेते हैं, इस प्रकार से एक रिंग बना लेते हैं। दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं। रिंग को दो उंगलियों में डाल देते हैं, एक नोट इस प्रकार से लगाएंगे ऊपर से नीचे की ओर निकाल कर पट्टी, और एक नोट नीचे से ऊपर की ओर निकाल कर इस प्रकार से एक लूप बनती है। इस लूप को ऊपर से नीचे की ओर पट्टी निकाल देते हैं इस प्रकार से। एक नोट इस प्रकार से लगाते हैं, नंबर वाइज से नोट लगानी पड़ती है, एक नोट इस प्रकार से और एक नोट नीचे से ऊपर की ओर निकालकर लगाते हैं। इस प्रकार से एक राउंड पूरा कर लेते हैं, पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। एक नई डिजाइन का डोरमेट बना रहे हैं। ये हमारा दूसरा राउंड पूरा है। दूसरे राउंड में एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे, एक नोट इस प्रकार से लगाएंगे, एक नोट इस प्रकार से लगाएंगे। अगले फंदे में एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे।
इस प्रकार से एक फंदे में दो फंदा निकालते हुए दूसरा राउंड पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा दूसरा राउंड पूरा हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। यह हमारा तीसरा राउंड शुरू हो रहा है और तीसरे राउंड में एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे। अगले फंदे में एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे, बीच में एक फंदे को छोड़ते हुए। इस प्रकार से एक फंदे में दो फंदा निकालते हुए और बीच में एक फंदे को छोड़ते हुए इस प्रकार से दो तीन राउंड लगा लेते हैं। इस प्रकार से एक फंदे में दो फंदा निकालते हुए दो राउंड लगा चुके हैं, बीच में एक फंदे को छोड़ते हुए। इस प्रकार से आगे अब अगले राउंड में एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे, प्रत्येक फंदे में एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे, बीच में कोई फंदे को नहीं छोड़ेंगे। इस नियम के अनुसार जितना बड़ा डोरमेट आप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो।